एक एसोसिएट टीम जब क्रिकेट खेलती है तो डेफिनेटली उनके माइंड में ये रहता है कि हमें मेहनत करनी है, काफी मैचेस जीतने हैं, सारे बॉक्सेस को टिक करना है और उसके बाद हमें फुल मेंबरशिप पानी है। जी हाँ, क्योंकि फुल मेंबरशिप पाने के लिए जो है सारी जदोजहद होती है, सारी मेहनत की जाती है, वर्ल्ड कप में पहुंचने की कोशिश होती है, वहां अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश ताकि एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा मिल सके। फुल मेंबरशिप के पीछे आखिर क्यों भागा जाता है और क्या आखिर सबसे मेन चीजें हैं जो फुल मेंबरशिप बनने के बाद एक ऐसे टीम फुल मेंबरशिप बनने के बाद उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, छह इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मिलती तो और भी काफी सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन ये छह इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक एसोसिएट मेंबर को फुल मेंबर बनने के बाद आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो वो है टेस्ट क्रिकेट खेलने की एलिजिबिलिटी। डेफिनेटली तो ये एक सबसे बड़ा है और हमने इसको सबसे ऊपर रैंक इसीलिए किया है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से आपका क्रिकेट जो निखरेगा वो डेफिनेटली बहुत ही शानदार होगा और आप एक टेस्ट क्रिकेटिंग नेशन बनेंगे, आपको टेस्ट मैच खेलने को मिलेंगे। टेस्ट रेगुलर टेस्ट मैच खेलने में थोड़ा वक्त लगता है, आयरलैंड अफगानिस्तान को देखिए अभी तक सिर्फ 5-6 टेस्ट ही खेले, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़े लॉन्ग रन में आपको बड़ी बड़ी टीमों के साथ टेस्ट मैच खेलने को मिलेंगे और रेगुलर टेस्ट मैच आपके सालों में आ जाएंगे, कम से कम खेलने को तो मिलेगा। यहाँ पर T20 और कभी कभार ODI से काम चलाना पड़ता है, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। नंबर टू, क्या प्रोवाइड होता है? बिल्कुल, उसके बाद बारी आती है कहीं ना कहीं जो अभी जो सारे एसोसिएट को एक साथ अलॉट किया जाता है मनी, फंड दिया जाता है, वहां पे टेस्ट मेंबर्स बनने के बाद वो चीज इंडिविजुअल हो जाती है। जी हाँ, यानी कि एक बोर्ड अकेला आईसीसी उनको अलॉट करता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई बोर्ड अभी अभी टेस्ट नेशन बना है तो उसको $40 million अभी फिलहाल जितनी आयरलैंड और अफगानिस्तान को मिलती है वो इतनी ही है, $40 million आयरलैंड और अफगानिस्तान ईच लेते हैं, मिलती है उन्हें आईसीसी से। तो ऑब्वियसली उसके बाद इंडिविजुअली आईसीसी अलॉट कर देता है फंड जिससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट वो अपने एरियाज में कर सकते हैं, अपने क्रिकेटिंग एरियाज में लगा सकते हैं, जो कि एसोसिएट मेंबर्स बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत सारे टीमों में बढ़ जाता है एक साथ फंड की बात करें। तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आईसीसी में वोटिंग राइट्स। जी हाँ, इसे आप जरा जरूर से जरूर समझाएं। बिल्कुल, और ये वोटिंग राइट्स एक्चुअली होती क्या है? ये वोटिंग राइट्स कोई नया रूल लाने के लिए होती है। जी हाँ, कोई नया रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड से मीटिंग बिठाई जाती है, तब वो रूल आगे चल के इम्प्लीमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आईसीसी के चेयरमैन है तो वो अपनी थोपेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर चीज से हर बोर्ड के मेंबर से रूल सजेशंस लेके उसके बाद ये लॉ आता है। सेकेंडली क्या होता है कि यहाँ पे जब आईसीसी के हेड ऑफ द चेयरमैन बनते हैं, कोई मालिक बनता है एक तरीके से अगर कहा जाए लास्ट चेयरमैन, तो वो सारे वोटिंग राइट से बनता है। ये खासियत पावर एक जो होती है टेस्ट मेंबर में वोटिंग की, कि अगर वो पीछे हट जाए तो वो वोट तब तक नहीं होगा जब तक उस एक मेंबर को मना ना लिया जाए कि हाँ अब आप वोट करिए, अब आप प्लीज आप वोट करिए, वरना ये जो आईसीसी का चेयरमैन का पोजीशन है ये खाली का खाली ही रहेगा। जी हाँ, और इसका पास्ट में एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल भी है। जी हाँ, इसका पास्ट में एग्जांपल आप में सोचिए कि ऐसा कभी थोड़ा हुआ होगा। बिल्कुल इसका एग्जांपल है, आप चाहेंगे तो हम उसके एक अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे कि इसमें क्या एग्जांपल्स रहे हैं कि एक बोर्ड की वजह से कहीं ना कहीं चेयरमैन की जो कुर्सी है वो काफी महीनों तक खाली थी। खैर, अगले हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, वो है जाहिर सी बात है जब आपको इंडिविजुअल फंड्स मिलने लगेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिलेंगे, फंड्स जब रेज होगा आपका तो डेफिनेटली आप ज्यादा बायलैटरल सीरीजेस खेल पाएंगे, मैचेस खेल पाएंगे, जो एशियन टीम्स बहुत कम देखा जाता है। अब आप सोचिए यहाँ पर एशियन टीम्स हैं, वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू का इंतजार कर रही है कि ओडीआई मैचेस वहां पे होंगे तो हमें 50 ओवर खेलने को मिलेगा, लेकिन जब बात आती है कि हम आपस में बोर्ड्स में मैचेस खेलें तो वो ज्यादातर T20 ही होता है। बिल्कुल T20 होता है, वो भी किसी वर्ल्ड कप या क्वालिफायर से पहले खुद की बायलैटरल सीरीजेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी जब आप टेस्ट प्लेइंग नेशन बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो इंडिविजुअल फंड आपको मिलने लगेगा प्लस वो फंड में काफी रेज होगा जब आप एशियन टीम्स से उसके मुकाबले। पांचवे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आइए जानते हैं कि आखिर पांचवा पॉइंट कौन सा है और उससे क्या बेनिफिट होता है एक एसोसिएट मेंबर को जब वो फुल मेंबर बन जाता है। बिल्कुल, और ये है कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन का जो एक इश्यू रहता है एसोसिएट के साथ, कि पहले इतने ज्यादा जो बैरिकेड होते हैं, इतने ज्यादा जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं हट जाते हैं जब आप टेस्ट मेंबर बन जाते हैं। बिल्कुल, इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं इसका छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आप देखिए श्रीलंका और बांग्लादेश को, जब वो श्रीलंका बांग्लादेश जो जब उन्होंने 2021 का वर्ल्ड कप खेला, वो लोग खेले जाहिर सी बात है ज्यादा मैचेस, वो काफी मैचेस हारे हैं, बांग्लादेश अपने ग्रुप में शायद सारे मैचेस हारा है, उसके अलावा अगर मैं श्रीलंका की बात करूं वो भी अपने काफी मैचेस हारे हैं, लेकिन
फिर भी वो, क्योंकि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है तो वो लगातार मैचेस खेलते रहते हैं, जिस वजह से उनकी रैंकिंग्स जो है वो काफी ऊपर की तरफ ही रहती है। ज्यादा मैचेस खेलते हैं, ज्यादा मौके उनको मिलते हैं हराने के, तो डेफिनेटली उनकी रैंकिंग अच्छी रहती है। इसीलिए आप सोचिए, बिना किसी क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बांग्लादेश और श्रीलंका ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप में पहुंच चुकी है। ये आप सोच के देखिए जरा, डेफिनेटली यही एक फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आता है। जाहिर सी बात है कि आप उसमें भी अगर गिरा हुआ परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हालत जिम्बाब्वे और आयरलैंड जैसी होगी। ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन बन गए तो आप बिल्कुल अचूक हैं, लेकिन जो रीजनल क्वालिफायर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एशियाई क्वालिफायर, ये सब नहीं। और वनडे वर्ल्ड कप में तो और भी ज्यादा बेहतर है कि आप अगर टेस्ट क्वालिफिकेशन में टॉप 8 पे नहीं आ पाए तो आप सीधे ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में जाएंगे। ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2, चैलेंज लीग, बी ए, ये सब क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है, इतने सारे फिल्टर क्रॉस करके वहां तक पहुंचना, कहीं ना कहीं इंसान दम थोड़ी देता है, ये भी करने को नहीं मिलेगा। छठा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए जानते हैं क्या है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं आपके लोकल क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा। बिल्कुल, और जो ये लोकल क्रिकेट में जो एक पॉपुलैरिटी लेके आता है टेस्ट प्लेइंग नेशन, जो कहीं ना कहीं इमेंस जो यूथ है वो भी इसमें इतना पार्टिसिपेट लेने के उभर जाते हैं, नए नए मौके बनते हैं, फिर अकेडमीज पे अकेडमीज चलती हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहना होगा, फिर बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुल जाता है, और एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है, बाजार जो है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं इस चीज को देखा जाता है। छठा पॉइंट, जब टेस्ट नेशन बनते हैं बाहर से भी कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा इंडोर्स आता है, इंडोर्समेंट मिलता है, लोकल में जो बिजनेसमैन है या पार्टीज जो भी है, बड़े बड़े कंपनीज है, वो लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जी डेफिनेटली लेते हैं। इसका भी छोटा एग्जांपल है मेरे पास, 2011 से पहले, 2011 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको याद होगा आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था। उससे पहले जो है, जितना हमने स्टडी किया है, उससे पहले आयरलैंड में मेरे ख्याल से अगर आप एवरेज के हिसाब से गए तो 30-40% जो है वही कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में। 25-30% वो भी उसमें से भी मोस्टली वो थे जो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैटिलिटी से ही इन्वॉल्व थे, जैसे कि जिनकी खुद की एकेडमी हो या जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके जो सपोर्टर नेबरहुड, यही लोग थे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आयरलैंड ने जब इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में हराया, उसके बाद जो प्रोसेस हुआ वहां पर दुगना उछाल हुआ, ये खुद आईसीसी की एक रिपोर्ट कहती है। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जब 2018 में टेस्ट प्लेइंग नेशन बने, तो अब आप देखेंगे आयरलैंड जब मैचेस खेलता है अपने होम ग्राउंड में तो वहां पर आपको क्राउड भी धीरे धीरे नजर आता है, और यंग टैलेंट्स Under-16, Under-17, Under-15, स्कूल क्रिकेट, ये सब भी वहां पर पॉपुलर होने लगे हैं धीरे धीरे लेवल पे, लेकिन पॉपुलर होने लगे हैं। ये एक चीज बहुत ज्यादा हो जाती है जब वो न्यूज ओपन करते हैं तो उन्हें देखता है कि अरे आयरलैंड ने आज इनको हराया, अभी देखिए आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया, आपको लगता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर यूएसए ने आयरलैंड को हराया इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली बात है एक मैच आपने हराया बहुत अलग बात है, लेकिन आप टेस्ट प्लेइंग नेशंस नहीं है, आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, आपके पास अभी भी बोर्ड्स, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई बड़ी टीम आके आ जाएगी, लेकिन वेस्ट इंडीज अब हमेशा तैयार रहेगा, अरे आयरलैंड से तो हमें सीरीज हारनी है। ये फर्क होता है टेस्ट प्लेइंग नेशन बनने के बाद। बहुत ही सीधे सिंपल सरल और देसी लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या आखिर एक फुल मेंबर बनने के बाद प्रोवाइड कराया जाता है एसोसिएट मेंबर को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक किए ना जरूर जाइएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन पाए, समझ पाए कि आखिर भाई एसोसिएट मेंबर को फुल मेंबर बनना क्यों है, तो वो समझ पाएंगे देसी लैंग्वेज में मस्त एकदम आराम से। खैर चलिए, फिलहाल वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लगातार एसोसिएट से और क्रिकेट से रिलेटेड आपके सामने लाते रहते हैं।